नमस्ते, रूमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ दिवाली डेकोरेशन के लिए क्राफ्ट आइडियाज़ बताऊंगी। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाते तो कम समय में, और पेपर से बने हुए कुछ चीज़ों को बना के आप अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। दो मैंने कलर्ड पेपर ले लिया है, थोड़ा सा मोटा चार्ट पेपर है जिसे मैंने चौकर शेप में काट लिया है। अब इसे ऐसे मोड़ लेंगे और फिर इसे ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करना है और इसे ऐसे फोल्ड करना है। तो सेम इसे भी ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं। ये दो मैंने बना लिया है। अब थोड़ा सा ग्लू लगा के और इसको इसके अंदर में ऐसे रख के और सेट करना है। से मैंने इसे सेट कर दिया है। अब ऐसे इसको ऐसे मोड़ना है और इसको ऐसे मोड़ना है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा के सेट कर देना है। ये जैसे जोड़ दिया है तो इन तीनों साइड को भी ऐसे ही सेम जोड़ देंगे। ये चारों तरफ से मैंने जोड़ दिया है तो ये कंप्लीट है। बैटरी से चलने वाला टी लाइट्स का मैंने यूज़ किया है। ये कलर चेंज करता रहता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और पेपर के ऊपर ये सेफ भी रहता है, तो इसीलिए मैंने इसमें नॉर्मल कैंडल का यूज़ नहीं किया है। अब एक पेपर ले लिया है और इसे हाफ कर लेंगे। A4 साइज पेपर है, इसे हाफ कर लेते हैं। मैंने पेपर को हाफ हाफ कर लिया है। अब इसे ऐसे पकड़ लेंगे और मोड़ देंगे और फोल्डेड साइड से इसे कट करना है। ऊपर से आधा इंची छोड़ देंगे, ऐसे कट कर लेंगे पहले। ये मैंने काट लिया है। अब इसे खोल के ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो दोनों पे पहले ग्लू लगा के जोड़ देते हैं। तो ऐसे दो बना लेंगे। तो ये मैंने दो बना लिए हैं। इन दोनों लैम्प शेड के अंदर में भी मैंने बैटरी से चलने वाला टी लाइट्स का यूज़ किया है। अब एक पेपर ले लिया है और इसे पहले ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे, फिर एक कोना से पकड़ के ऐसे बना लेंगे और फिर ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे काट के निकाल देंगे। इसे भी काट लेंगे। अब ये दोनों जो स्क्वायर वाला पेपर है, थोड़ा सा ग्लू लगा के इसे ऐसे जोड़ देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा के ऐसे इसके साथ जोड़ देना है। तो ये भी कंप्लीट है। मैंने इनके बीच में दो कैंडल स्टैंड रख दिया है और दो कैंडल रख दिया है। ऐसे तीन कैंडल्स रख के भी आप इसे ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। ग्रीन कलर का चार्ट पेपर से मैंने कुछ ऐसे स्ट्रिप्स बना लिए हैं छोटे छोटे, और इसको भी ऐसे ग्लू लगा के और स्ट्रिप इसके साथ ऐसे सेट कर देना है। तो ऐसे कुछ पहले बना लेते हैं। ये कुछ मैंने बना लिए हैं। अब इनको ग्लू लगा के और एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ना है।
और इनको फूलों का शेप दे देना है ऐसे। मैंने जोड़ दिया है, अब एक सर्किल काट लिया है और इसको बीच में ऐसे जोड़ देंगे। तो ये भी रेडी है। ये फ्लावर वाला कैंडल स्टैंड आपने देखा ही होगा कि कितना इजी है। इसको काफ़ी सारा बना के आप घर के एंट्रेंस के सामने रख के और ऐसे ही लाइट्स जला के डेकोरेट कर सकते हैं। एक A4 साइज़ का पेपर ले लिया है और इसको ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया है और इसे अब ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसे पत्तों के शेप में काट देंगे। और इनको ऐसे ऐसे काटना है। एक पत्ता ले लिया है और एक पेंसिल को ऐसे रख के इसे ऐसे ऐसे घुमा देना है, थोड़ा सा मोड़ देना है। पत्तों के ऊपर बैटरी से चलने वाला टी लाइट्स को रख के मैंने ऐसे डेकोरेट किया है। दोनों पत्ते को ऐसे रख के इसके ऊपर तीनों कैंडल रख के मैंने डेकोरेट किया है। आप चाहे तो एक पत्ता रख के आप उसके ऊपर भी तीन कैंडल रख के भी ऐसे डेकोरेट कर सकते। अगर मेरी ये दिवाली डेकोरेशंस का क्राफ्ट आइडियाज़ आपको पसंद आएगी तो आप इसे लाइक दीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही जो बेल आइकन आते हैं उसे प्रेस कीजिएगा तो मैं जो न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसे देख सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।